गाइस तो गाइस झाल मुड़ी खा करके तो गाइस अब ये हमारा झाल मुड़ी बन के तैयार हो गया है। देखिए सारा खेत है ना, वो दूर में भी देखिए सारा खेत वगैरह सारा एकदम पानी से भर गया। अब का ले दूध वाले रहने कितना तेज है देखिए देखिए का क्या है। अरे तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम, गुरु लगे, सलाम, स्वागत करता हूँ दोस्तों मैं एक और अपने ब्लॉग में। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड खैरियत होंगे। दोस्तों एकदम अभी सुबह हो रही है दोस्तों, और अभी ही थोड़ी देर पहले उठा हूँ और बाबूजा का हुआ था ना, उसके वजह से मैं उठा हुआ था और अभी बाहर वाले रूम में आया हूँ दोस्तों। यहीं पर अभी लेटा हुआ था क्योंकि लाइट नहीं है, तो अंदर अंधेरा हुआ था, तो बाहर आकर के बैठ गया और बाबू को दोस्तों मम्मी को दे दिया। और बाहर का मौसम देखिए दोस्तों, आपको हवा की आवाज़ आ रही होगी ना, रात भर हवा चली, ठंडी हवा, लाइट तो था नहीं, रात भर ठंडी हवा चली और रात भर दोस्तों बारिश हुई, एकदम रात भर बारिश हुई है। अब ये देखिए इधर, ये देखिए पूरा का पूरा इलाका देखिए पूरा एकदम पानी से भर गया है गाइस। देखिए वहाँ ऊपर सारा खेत है ना, वो दूर में भी देखिए सारा खेत वगैरह सारा एकदम पानी से भर गया, रात भर बारिश हुई दोस्तों। ये देखिए मौसम, और ज़्यादा बारिश होता है तो दोस्तों ये देखिए मेरे भी ढाबा में भी ना पूरा पानी भर जाता है। और इधर देखिए बउआ सो गया है, फिलहाल तो दोस्तों सब अभी सोए पड़े हैं, मम्मी भी उठी थी लेकिन बाबू के साथ आराम कर रही है, लेटी हुई है। इधर देखिए काजल सोई हुई है, उठो। और बात ये है दोस्तों कि जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, मैं जो गिरा था बाइक से, तो एक दो तीन चार जगह छिल गया था गाइस, पता नहीं चल रहा था। मैं जब घर पे आया ना तो बाद में दर्द होना शुरू हुआ, फिर मुझे पता चला कि कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ कहाँ छीला है। तो इस पैर में भी गाइस घुटने एंकल के पास एड़ी जिसको बोलते हैं ना, वहाँ पे छीला है एकदम, मतलब हड्डी पे देखिए यहाँ पे छीला है, फिर वहाँ पैर पे दिखाया था। ये वाला दोस्तों एकदम नस भी हो गया, देखिए हल्का हल्का सूज गया है गाइस, चलने में बड़ा दिक्कत दे रहा है। ये वाला दोस्तों पैर एक एक स्थिति में रखते हैं तो ठीक है, फिर जहाँ उसको मूव करते हैं इधर उधर करते हैं तो दर्द देना शुरू हो जाता है, बड़ा दिक्कत है गाइस। पता नहीं कब ठीक होगा, कैसे गिर गए हमको भी समझ में नहीं आया। 1% जो मेरी गलती होगी ना तो मैं मान लेता दोस्तों। जाते हैं चाय वाय बनाते हैं, काजल को बोलते हैं, नहीं तो फिर हम ही जा करके बनाएंगे दोस्तों चाय। मौसम बड़ा मस्त है, पता नहीं आज क्या बनाए, मन कर रहा है लिट्टी बनाए सत्तू भर का, लेकिन कोयला नहीं है दोस्तों। अच्छा पूछते हैं, ए तो आटा आटा ही नहीं है दोस्तों, अब आटा नहीं है तो देखते हैं गाइस कुछ जुगाड़ करते हैं, मन तो कर रहा है लिट्टी। तो अभी जा रहे हैं दोस्तों चाय वाय बनाते हैं, चाय पीता है काजल, तो अभी नहीं उठ रही है, ये खुद बोल रही है कि खाना बना दीजिए, मौका मिलेगा तो बनाएंगे, नहीं तो ये बनाएंगे। तो इधर देखिए आज कैसे बाबू को उड़ा करके मम्मी लपेट के सो गई है। अब दिक्कत यह है कि दोस्तों बरसात के मौसम में ना कपड़े बहुत से लेट से सूखता है, एक तो लाइन नहीं देता है और धूप भी नहीं करेगा दोस्तों, जैसा मौसम अभी किया हुआ है ना, हमको नहीं लगता है कि अब ये धूप करेगा 3 दिन 4 दिन, तो ये सुसु भी इतना करता है कि मत कहिए, इसकी आधा कपड़ा तो गीला ही है, पूरा तौलिया हटा दें, तौलिया पूरा कैंटन है। ले देखिए गाइस बीबी सो रही है, पति सेवा कर रहा है, देखिए 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 उठ, तो करते तकनीक पकड़ ना, सटा दो ऐसा ही। गाइस अभी देखिए चाय यहाँ पी करके मैं रख दिया और बाहर वाले रूम में हूँ गाइस, और ये देखिए बारिश भी इतना अभी भी हो रहा है ना कि मत कहिए। और ये बेचारे डॉग लोग देखिए इधर कार के नीचे बैठे हैं बेचारे, क्योंकि यहाँ पे छत दिया हुआ है ना, तो इसके नीचे आराम से अपना रात गुजारे, यही सब यहाँ बैठे हुए हैं। लास्ट में मजबूर होकर के गाइस देखिए उठ करके फिर किचन में आई है, हमको बोल रही थी खाना बनाने के लिए, बताइए तो आप गाय दूध वाले रहेंगे, कितना तेज है ठीक है ना, ठीक है ना, सारा चीनी डाल दिए थे, ठीक है ना, बढ़िया
दुधवा बाबू पीते हैं तनी सुनाइए। अरे अभी बारिश हो रहा है, दूध लाएंगे नहीं उसके घर से, मतलब जब लाइने नहीं है तो पूरा गांव में लाइने ही नहीं रे। ये ले रहे नहीं गाइस, सुबह से इसका 3 पैंट चेंज कर दिए हैं। और देखिए इस तरह से इसका पैंट सारा यहाँ पे पसार करके काजल रखी है ताकि सारा ये सब सूखे। गाइस देखिए, देखिए कैसे चिल्ला रहा है, देखिए देखिए कैसे जाने के लिए डर ले के काट लिया गाइस, देखिए दाते भी गड़ा दिया। तो अभी गाइस मस्त बाहर बैठे हैं, बाहर वाले रूम में दोस्तों खाना वाना खा करके बैठे हैं और अभी करीब 1 बजने वाले हैं। मौसम दोस्तों साफ हो गया है, बाहर देखिए धूप भी हो गया है गाइस। सुबह तो ऐसा लग रहा था कि जैसे धूप नहीं होगा 4-5 दिन, लेकिन धूप हो गया है, बारिश भी छूट गई है। इसको देखिए कैमरा कर रहा है, इसको लग रहा है कि हमको पत्ते नहीं चल रहे, कैमरा कर रहा है हमारा डाल दवाई वाला रूम बोल गया, एकदम डालवा एक ना मीठू, हाँ एकदम डालेंगे। अभी साथ में अमन है गाइस, और देखिए ये धीरज पबजी खेल रहा है गाइस, और इधर देखिए ये है सीटू गाइस, ये देखिए, और सीटू के हाथ में देखिए ये क्या है, ये है दोस्तों इसमें कुछ एक जगह रख, ये है दोस्तों मुरही और बादाम मिक्सचर, बादाम पकौड़ा, फिर मूंग दाल झाल मुरही बनेगा और साथ में मिलकर मजे करेंगे दोस्तों, है ना, है ना दीगू बोलो। हाँ हाँ ये देखिए बर्तन वाला है, नहीं प्याज टमाटर बाकी सब तैयारी हो रहा है। तो गाइस ये देखिए, अरे लाल काम रे अमनवा, गाइस ये लड़का बहुत बदमाश है गाइस, ये देखिए बहुत लड़ता है। तो तसला देखिए गाइस, अभी बीर मेरे घर से अंदर से लाया है, उसी में मिलाएगा दोस्तों, और इसका ध्यान देखिए गाइस एकदम उसी पे है, टका हो तोरा से, मतलब दिखा रहे की हमारे घर में वैसे बर्तन रहा तोरा ने, नहीं देखिए अरे मोटा ये देखिए इसमें क्या क्या चीजें मिलाए हैं, बादाम है, मिक्सर है, मूंग दाल है, सेब है, तो ये चीज है। हम अभी लेके उधर देखो ने हाथों घुसे था जारी सुनना है, काला नमक नहीं है यार, सॉरी रिएक्शन है, फॉर्चूनवा डाल दिया ना, फॉर्चूनवा से बढ़िया हथियार रहता है डाल डावा ही जा हाँ तो घर काला नमक जो मम्मी से पूछ कर देख, मम्मी से पूछ कर। तो गाइज अब ये हमारा झाल मुड़ी बन के तैयार हो गया है, देखिए ये इसमें देखिए और इसका नजर देखिए गाइज, तो देख के आपकी चॉइस का लें, तो अपन आराम से खुद साइड में 20 रुपया के है वो तो का वही ना, अब गाइज इसी में हम लोग खाएंगे, और ये काजल के लिए कटोरी ना मिला के दे ना, मिला के दे, मिला के दे। तो गाइज ये देखिए बन के तैयार हो गया है, दे दे ये ना नीचे लोग सब खा लो, दुआ जल्दी खाओ और दे करके आओ जल्दी से, अच्छा। और ये गाइस जितना बचा है हम लोगों के लिए, मतलब हम लोग 3 लोग यहाँ पे और एक बीर बच्चे, मतलब 4 लोग दोस्तों हम लोग इतना में खाने वाले हैं। गाइस अभी खाना बंद कर दिए, देखिए वहाँ पे ढक कर रख दिए गाइस, पता कैसे उसमें ना गाइस बदम में काम लग रहा था, मिक्सर में काम लग रहा था, तो दोबारा बीर को भेजे हैं पैसा देकर लाने के लिए फिर खाने दोस्तों। ये देखिए दोस्तों दोबारा मंगवाया है, दोबारा देखिए इसमें डाल रहा है, अब दोस्तों फाइनली सब कुछ सेट हो गया एकदम मस्त, अब इसमें ना बादाम और मिक्सचर और सब कुछ अच्छा दिख रहा है, अब खाने में मजा आएगा। तो अब दोस्तों हम लोग खा तो लिए झालमुरी, लेकिन अब देखिए ये पानी सबके लिए लाए थे, लेकिन साथ में दोस्तों ये देखिए क्या लाया है, मतलब मंगवाया है, अकेले बाप रे अमन करेजा दिखा बेटा, वो करेजे कितना बड़ा बेटा देखा, दर जूम तेंगे तेंगे जूम कर बताओ, एकदम बराबर बराबर ढर गए सीटू, एक एक सूता कम बेसी ना, ठीक ना, अरे अमन ना 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 बैठ तो बैठ तो ये हिस्सा है, तो ये हाँ दम बराबर हम कह लियो ने दम बराबर भर गए ऐसा दिए तब पी रहे
हम तो बाहर भी खोजेंगे, बहुत ज्यादा की लिया। मिल लेता, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। तो गाइस झाल मुड़ी खा करके अरे मुड़िया रे, अरे दर्द अरे मुड़िया रे, उठा ही नहीं रहे, एना उठा ही दाल तक नहीं ले चुका, दाल ले अरे उठा ही नहीं, उठ के नहीं पगला, अरे बाप ये देखिएगा तोड़ दिया खटीवा अमर वाला गाइस, मामी बड़ी बोलता जा, अरे बाप रे, अरे मटका उठा मेरा, ये देखिएगा इसने खटीवा तोड़ दिया गाइस, अरे स्टार पे ने। तो गाइस झाल मुड़ी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी करके यहीं पे बैठे हुए थे आराम से, हवा चल रही है एकदम ठंडी ठंडी गाइस, क्योंकि लाइन भी अभी तक नहीं दे रहा है काट रहा है। तो बस यहीं पे बैठ करके टाइम पास कर रहे हैं, बाकी अभी थोड़ी देर बाद दोस्तों क्लास का टाइम हो जाएगा, तो उसके बाद क्लास जाएंगे। तो गाइस मैं घर पे आ गया, मैं क्लास भी ले लिया गाइस और घर पे भी आ गया, मतलब घर में, और अब जा रहे हैं दोस्तों खाना खाने, क्योंकि भूख लगी बहुत जोर से दोस्तों। खाना निकाल के काजल ऑलरेडी रख दिया थाली में, अब मेरे को हाथ धोना है, मैंने हाथ धो लिया, अब जा रहा हूँ दोस्तों खाना खाने। खाना में गाइस सब्जी चावल एंड भुजिया, ये देखिए गाइस। तो दोस्तों अभी खाना खाते हैं एंड खाना खा करके दोस्तों जाएंगे आराम से सोएंगे, खाली घाव थोड़ा सा साफ करेंगे दोस्तों डिटॉल से, जो छिल गया है ना उसको साफ करके फिर सोएंगे दोस्तों। तो खाना खाते हैं दोस्तों, आई होप आप सभी खाना उन्होंने खा लिए होंगे, एंड ये वाला ब्लॉग दोस्तों यहाँ पे रुकते हैं, मिलते हैं एक और से नए ब्लॉग में, तो तब तक चेक किया, बाय बाय। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तो मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।